नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज डिबेट में बात 2014 और 2019 में बीजेपी और ब्रांड मोदी से करारी शिकस्त का सामना करने के बाद 2024 के लिए बने इंडी गठबंधन की। 28 विपक्षी दलों से बना ऐसा इंडी गठबंधन जिसकी हम बात करने वाले हैं। चौबीस की तैयारी और सीटों की मारामारी। 28 विपक्षी दलों से बना ऐसा इंडी गठबंधन जो पीएम मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन इस गठबंधन की हालत गांव बसने से पहले ही लुटेरे इकट्ठे होने जैसी, कहावत जैसी हो चुकी है। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मंच पर एक साथ हाथ में हाथ उठाकर भले ही इंडी गठबंधन के नेता सौगंध खाएं कि हम मिलजुल कर एनडीए सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन हकीकत में इंडी गठबंधन बीजेपी से ज्यादा अपने ही गठबंधन की पार्टियों और नेताओं के बवाली बयानों से लगातार बिखरने लगी है। तो लगातार बयानबाजी इंडी गठबंधन को लेकर ही हो रही है, गठबंधन के अंदर ही हो रही है, जबकि एक साथ 2024 का चुनाव लड़ने की बात सब कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यह तो 2024 की बात हुई। 2023 में भी ऐसा ही कुछ नजर आया जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन सबकी अपनी डफली, अपना राग यहां पर देखने को मिला। एक बार फिर से जब 2024 बेहद करीब आ चुका है, इसके बावजूद अपनी डफली, अपना राग या एक दूसरे की टांग खिंचाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। सुनवाते हैं कुछ बयान। कौन बनेगा करोड़पति बोले जी साहब, ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग की हर एक के ऊपर सम्मति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। करोड़पति का हवाला दिया हुए, उनका किस पिटेक्स में कहें इसका तो उत्तर कांग्रेस पार्टी और उनके स्पोक्स पर्सन देंगे, उनके राष्ट्रीय क्रिपिटेक्स में इस बात को कहें। लेकिन हमारे नेता न प्रधानमंत्री के रेस में है न कन्वेनर के रेस में, और हम सभी मीडिया के बंधुओं से ये आग्रह करेंगे कि बार बार नीतीश कुमार को कन्वेनर और प्रधानमंत्री के रेस में लाकर उनके व्यक्तित्व को गिराने का प्रयास नहीं कीजिए। जो आदमी आईएएस की परीक्षा देना ही नहीं चाहता है, उसको बार बार कब पूछ रहे हैं कि आईएएस कब बनिएगा, आईएएस कब बनिएगा। मटेरियल क्यों है? मटेरियल है इसलिए कि इन्होंने भारत सरकार में कृषि, रेलवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्रालयों का इन्होंने निर्वहन किया। कांग्रेस पार्टी डिसाइड की हु इज गोइंग टू बी द फेस, क्या होगा नहीं होगा, तो बैठते हैं लोग, उसमें तैयार होता है ना। अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक रही है। अखिलेश यादव जी के पिताश्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाई थी, गोलियां चलवाई थी। रामलला के कितने भक्तों का बलिदान हुआ, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो बयान आपने सुन लिए। वैसे जुलाई 2023 से लेकर इंडी गठबंधन की अब तक 4 बड़ी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो कोई फॉर्मूला निकला, ना ही कोई इसका अगुआ बनकर सामने आ पाया है। बस कुछ है तो वो है एक दूसरे की टांग को खींचना। कुल मिलाकर वक्त इंडी गठबंधन में ऐसा गदर इस वक्त मचा हुआ है
जिसने उसके वजूद पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। क्या विरोध की राजनीति नाटक की है, है? एक चले गए हैं न्याय यात्रा में, है? बताइए तो, जाइए घूमिए। लेकिन हमारा खाली कहना है कि चुनाव में चुनाव के लिए मेहनत करनी चाहिए तो चले गए न्याय यात्रा में, तो उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कोई गंभीरता है क्या? अब बस एक शब्द, मोदी विरोध, मोदी विरोध। तो न कोई विकल्प, न कोई नीति, न कोई नियत, न कोई कार्यक्रम और न कोई नेता। तो चिंता मत करिए, देश में इसका जबरदस्त जवाब मिलने वाला है। कोई वैकेंसी नहीं है और नरेंद्र मोदी को ये देश बहुत जबरदस्त प्रभावी रूप से जिताएगा। कि जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना है, हालांकि उसमें हम है नहीं, लेकिन उसमें जितने भी प्रदेशों के जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर ये सारी की सारी सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के जो प्रवक्ता रात दिन सब टेलीविजनों पे बोलते हैं और इनको घमंडिया नाम देते हैं, तो अगर ये उत्तर प्रदेश में भी पूरी सीटों पर यही लड़ेंगे, बिहार में भी पूरी सीटों पर यही लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी यही लड़ेंगे, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह, राजस्थान यही लड़ेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, फिर तो ये 100% साफ हो गया कि घमंड की बात कर रहे हैं और घमंडिया नाम बीजेपी वालों ने इनका ठीक रखा है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इंडी गठबंधन विपक्षी दलों के लिए जरूरी नहीं, खुद के लिए मजबूरी बनता जा रहा है? और सवाल क्या क्या हैं? सवाल आज के हम आपको दिखाते हैं जिन पर चर्चा रहने वाली है। सवाल नंबर एक, इंडिया में कैसे निकलेगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? फॉर्मूला कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया, 4 मीटिंग हो चुकी है लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कोई बात हो ही नहीं रही है। जब पूछा गया तो कह दिया गया कि यह तो कौन बनेगा करोड़पति के सवाल की तरह है। तो सीट फॉर्मूला कैसे निकलेगा, क्योंकि बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है, बार बार यह कहा जा रहा है कि वो भारत न्याय यात्रा जो है उससे पहले आप सीटें बता दीजिए, किसको कौन सी सीटें हैं। दूसरा कि क्या मोदी फेस के सामने इंडी गठबंधन प्लान फेल होता नजर आ रहा है? प्लान इसीलिए, सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक दूसरे की सब टांग खिंचाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीएसपी जो बाहर है वो भी ये कह रही है कि ये घमंडिया गठबंधन है। गठबंधन में एक दूसरे की टांग खिंचाई क्यों, गठबंधन में एक दूसरे की टांग खिंचाई क्यों की जा रही है? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है क्योंकि एक साथ खड़े होने की, एक साथ आने की बात जो है वो कही जा रही है। और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आइए, अब वक्त हो चला है हमारे जो गेस्ट हैं आज के मेहमान उनसे परिचय कराने का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिनय बरोलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। अभिनव जी बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर आर के शुक्ला, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर आर के शुक्ला आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही में जुड़े हैं राजेंद्र अर्थव्रयू, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जी स्वागत आपका सर। आशीष तिवारी बीजेपी सह मीडिया प्रभारी, आशीष जी बहुत स्वागत आपका। और साथ में डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजीज खान साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आखिर इंडिया गठबंधन, ये इंडी गठबंधन जो है इसमें एक राय बन क्यों नहीं पा रही है? आपकी पार्टी कह रही कि भाई ये यात्रा निकालने वाले हो उसके पहले सीट तो शेयर कर लो कि किसको कितनी सीटों पर लड़ना है, तय तो कर लो, लेकिन बात नहीं बन पा रही, क्यों? ये नहीं, ये लगा नहीं सर। डॉक्टर अजीज खान आपको आवाज मिल पा रही है? फोन कराइए, फोन। चलिए लगता है कि शायद नहीं मिल पा रही है, कोई बात नहीं, जाएंगे उनके पास। लेकिन उससे पहले कांग्रेस से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पहले ही, ये फॉर्मूला तय नहीं हुआ इंडी गठबंधन में, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस ने बता दिया कि हम इतनी सीटों पर लड़ने वाले हैं। अभिनव जी ऐसा क्यों है, बीजेपी और बीएसपी दोनों घमंडिया गठबंधन कहने लगे इसे? देखिए अब ये तो विपक्ष को कोसने वाली बात हो गई और हम पूरी ताकत से, आप जानते हैं देश की जनता चाहती है कि इंडिया जीते तो इंडिया जीतेगी। लेकिन मैं आपको बहरहाल बता दूं कि पिछले 6 महीने में 7 चुनाव हुए हैं इस देश में, जिसमें से 3 में कांग्रेस जीती है, 3 में बीजेपी जीती है, 1 में अन्य जीती है। आपने देखा होगा कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य कांग्रेस ने भाजपा से छीना है, जहां इन्हें खरीदी हुई सरकार बनाई थी। उसके बाद तेलंगाना में जबरदस्त जीत मिली हमें, हिमाचल प्रदेश में एक जबरदस्त जीत मिली। हां हम हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश राजस्थान में हमारी हार हुई है, लेकिन हम हताश नहीं है, निराश नहीं है। आप देखेंगे 366 सीटें जो हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है उसमें अभी हम सिर्फ मात्र 14 सीटें जीते हैं, और इस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अपने पीक पर है।
भारतीय जनता पार्टी, अब शिखर से ऊपर तो कुछ होता नहीं है, उसे अब नीचे ही आना है और जनता भी चाहती है नीचे लाना, तो ठीक है थोड़ा समय लग रहा है। इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा गठबंधन है, आप देखेंगे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो और तमाम जितने राज्य हैं वहां पर सीट शेयरिंग का जो है बहुत जल्दी, हमारे खड़गे जी ने अभी सबके सामने आपने पॉजिटिविटी के साथ सुना कि थोड़ा समय लगता है, 8-10 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा, तो चीजें सामने आ जाएगी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसे अपनी निश्चित हार सामने दिख रही है, इसलिए कोसने के अलावा और घमंडी कहने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो जनता चाहती है निजात, महंगाई से, बेरोजगारी से, तमाम देश में चल रही है, कितनी घबराई हुई है। आशीष तिवारी जी सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से हमारे साथ, आशीष जी देखिए अभिनव जी की अभी बात को मैं बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था और अभिनव जी की बातों को मैं लंबे समय से सुनता चला आ रहा हूं। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस समय भी बड़े आत्मविश्वास के साथ अभिनव जी बात रख रहे थे, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और आज परिस्थितियां देखिए मध्य प्रदेश के अंदर कि आज कांग्रेस समाप्ति की ओर चली गई, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां देखी जा रही हैं कि आज कांग्रेस के नेताओं के बीच में ही आपस में इतना बड़ा विरोध है। केंद्र स्तर पर देखा जाए तो इनने जो अपना गठबंधन बनाया उसमें नेतृत्व का अभाव है, इन्हें पता ही नहीं है कि हमें किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है और ये टिकटों के बंटवारे को लेकर ही लड़ रहे हैं। आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि अभी हमने जब पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ और चुनाव में हमने कांग्रेस की टिकटों का वितरण देखा, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस के प्रत्याशियों के पुतले दहन कर दिए, मतलब ये परिस्थितियां निर्मित हो गई कांग्रेस के अंदर, अनुशासन नाम मात्र का भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब आपकी पार्टी में भी हुआ था कोई नई बात थोड़ी देखते हैं, गठबंधन की स्थिति भी यही समझ में आ रही है कि आप उस गठबंधन में देखें कि आज चारों तरफ जितने भी नेता हैं उसके, तृणमूल कांग्रेस अपनी बात रख रही है और समाजवादी पार्टी अपनी बात रख रही है, कांग्रेस अपनी बात रख रही है और इनकी बातों का कोई एकत्रीकरण नहीं है, कोई एक रूपता नहीं है। तो निश्चित तौर पे इनके बीच में जो घमासान मचा हुआ है ये घमासान में ही लड़ते रहेंगे आपस में, घमासान में ही आपस में लड़ते रहेंगे। डॉक्टर अजीज खान को शामिल कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको भी बात कर उनसे भी बात कर लेते हैं। आपस में ही लड़ते रहेंगे, कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो या फिर जेडीयू हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इंडी गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आप लोग जो हैं अलग अलग बातें कहते हुए नजर आते हैं, एक साथ नजर तो आते हैं लेकिन बातें अलग अलग। देखिए पुनीत भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो एनडीए है, जो सत्ता में लोग जो बैठे हैं, वो उनको अंदाजा हो गया है कि जो विपक्ष वो पूरी तरह से मुत्तहिद हो गया है और सब एक प्लेटफॉर्म पर है, ये अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर है, मजबूती के साथ खड़े हैं। कोई भी शख्स कितना भी दरार डालने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन पूरी तरह से इंडिया तो अखिलेश यादव कहते हैं कि आप यात्रा निकाल रहे हो लेकिन यात्रा के पहले सीटों का तो बंटवारा कर लो। कर लेंगे, हो सकता है काफी तो सजेशन दिया है उन्होंने। और अरे सुनिए ना सर, पुरी सर मेरी बात सुनिए भाई, चीजें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं ये मीडिया को अभी बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं ब्रीफ कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं हमारी, अंदर से बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं। यूपी में कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी तो एक अलग नैरेटिव सेट होगा। गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। अरे सर सुन तो लीजिए, प्रमोद कृष्णम की बात सुनिए आपने। नहीं नहीं नहीं, मैं जो भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं मैं उनसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। धर्म की आस्था बड़ी है या संविधान बड़ा है? धर्म में आस्था बड़ा है या कानून बड़ा है? हमारे नेता ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त जो नेता जी थे, क्योंकि नेता नहीं थे एक विचार थे, उन्होंने संविधान की रक्षा की, उन्होंने कानून की रक्षा की। तो जो कानून की रक्षा कर रहा है उसके आड़े अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि कहीं ना कहीं जिससे संविधान खतरे में आ जाए, तो एक संवैधानिक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि संविधान की रक्षा करे। अगुआ कौन है? रक्षा करे अगुआ कौन है? सवाल ये भी, और अगुआ कौन है जब ये सवाल किया गया,
जब ये सवाल किया गया तो कहा कि भाई ये तो सवाल जो है कौन बनेगा करोड़पति के जैसा सवाल है, अभी कुछ तय नहीं किया जा सकता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आरके शुक्ला साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, हमने सपा कांग्रेस और बीजेपी तीनों को सुना। शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा सर। यहाँ काउंटर करना इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, बोलिए। इंपॉर्टेंट है, मुझे मौका दे। बोलिए बोलिए। देखिए पुनीत जी, जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं क्या वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है? मैं जानना चाहता हूँ। तमाम नेता होते हैं, उनकी अपनी विचारधारा होती है, व्यक्तिगत विचारधारा होती है। तो जो लोग इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं उनके स्टेटमेंट को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अगर है कांग्रेस का और वो अगर बात करता है तो हम, मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात का ना आप बुरा मान रहे हैं, ना उनकी बात को कोई दर्ज किया जा रहा है। ठीक है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप मत कीजिए दर्ज। आरके शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरके शुक्ला जी, कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि तीनों को आपने सुन लिया। आप तो देखिए, जहां तक हमारे प्रदेश में सीट शेयरिंग का मामला है, तो ये तो सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियां मतलब प्रमुख रूप से आपस में तनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। हाँ, हमारे प्रदेश की एक निश्चित बेल्ट में समाजवादी पार्टी का कुछ थोड़ा बहुत प्रवाह हो सकता है, तो यहाँ पर सीट शेयरिंग फार्मूला की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, एक सीट अधिक से अधिक समाजवादी पार्टी के खाते की झोली में जा सकती है सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत। अब सवाल उठता है कि हमारे प्रदेश में किस पार्टी को कितना स्कोप है, तो स्कोप की अगर नजर से देखा जाए तो अभी जो दो महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें पूरी तरीके से पूरा का पूरा खाका बदल चुका है। पूरी जनमानस की भावना भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अभी भी ना तो सीट शेयरिंग फार्मूला पूरा कर पाई है और ना ही अपने उम्मीदवारों को इशारा भी कर पाई कि भाई आप यहाँ से तैयारियां शुरू करो। पिछले 4-5 दिन में कांग्रेस के नौ प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने प्रयास किया है, उनकी बैठकें चल रही है, मंथन चल रहा है, लेकिन अगर ये सीट शेयरिंग फार्मूला के कारण पार्टी प्रत्याशियों के चयन में लेट होती है तो इसका नुकसान निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को होगा। ठीक है, तो क्या हम ये भी माने कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां द्विदलीय राजनीति चलती आई है, वहां इस इंडी गठबंधन का कोई असर या इस गठबंधन के कुछ बात बन जाने से भी कोई उसका प्रभाव राजेंद्र जी देखने को नहीं मिलेगा? पहले तो पैनल के सभी सदस्यों को मेरा राम राम, प्रणाम, जय सिया राम जी। दूसरी बात यह है कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडी गठबंधन का एक गठन हुआ है। एक पदरे पे तो नरेंद्र मोदी है और दूसरे पदरे के ऊपर जितने भी दल हैं देश में वो सब इकट्ठे हो गए, और एक दल पलबे पे से वो चकता है, दूसरा बैठ जाता है, दूसरा वो चकता है, तीसरा बैठ जाता है। तो इंडी गठबंधन में एक रूपता नहीं है कि उन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं उसमें इंडी गठबंधन जो है वो बाधाएं डालता है। अरे पलायन करते हो आप, लोकसभा से पलायन करते हो आप, देश से पलायन करते हो। अरे जो अच्छी चीजें नरेंद्र मोदी या भारत सरकार कर रही है उसका आपको समर्थन करना चाहिए। समर्थन करने के बाद जो है वो आपको ये लगे ये चीज जो है वो गड़बड़ है उस पर खुलेआम बहस करिए, लेकिन बहस करने की बजाय आप जो पब्लिक का प्लेटफार्म है, जो पब्लिक ने आपको इलेक्ट किया है जिन चीजों के लिए, उस लोकसभा से आप पलायन कर जाते हो, वहां पे आप कहना नहीं चाहते हो, जनपद के ऊपर जंतर मंतर के ऊपर आप प्रदर्शन करते हो। हम ये चाहते हैं या देश की जनता, हमारा मतलब है कि इस देश की जनता ये चाहती है कि अच्छे कामों का, सरकार के अच्छे कामों का, इंडी गठबंधन हो या और दूसरे विपक्ष के दल हो, उनको समर्थन करना चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपको जो मुद्दे उपयुक्त नहीं है उनको खुल के बहस पर ले आना चाहिए। लेकिन वो बहस तो करते नहीं है, पलायन कर जाते हैं। ये स्थिति इनने
बना के रखी है। ठीक है, बहस नहीं करते, पलायन कर जाते हैं। और इसी बात का दर्द हर किसी को है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ अभिनव जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अभी आपने सपा प्रवक्ता जो हैं उनको भी आपने सुना, उन्होंने कह दिया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता है? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जो भी बोलते हैं, हमारे जयराम रमेश जी ने पहले भी एक लेटर जारी किया था उनके लिए कि उनके वक्तव्य से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कांग्रेस पार्टी। और रही बात, आपने देखा कि लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं हम, 148 सांसद सर सुनिए सर, लो पार्टी में है वो अपनी बात रखते हैं, मीडिया उनको एंटरटेन करता है, वो मीडिया को अपनी बात रखते हैं और उनकी बात सामने आ जाती है, इस तरीके से मीडिया रखते हैं और पार्टी को जवाब देना पड़ जाता है उनकी बात। आपको उनकी आपको 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 उनकी बात पसंद आ रही है तो आप बात करिए, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं, 140 से ज्यादा सांसद निष्कासित कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, जनता की आवाज उठाने की लड़ाई लड़ रहे थे लोग, चाहे इस देश की हर 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 एक एक व्यक्ति की लड़ाई, पूरी संसद को आपने निलंबित कर दिया, ये तानाशाही है कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हेलो, हंगामा करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बात रख के लड़ाई बोलूं आप कही जा सकती है। हाँ, जंतर मंतर पे भी महिला पहलवान बैठे रहे, उनको भी कोई न्याय आपने दिया? किसान लड़े उनको दिया क्या? ट्रक हड़ताल हुई, घबरा जाते हैं आप, पहले तो आप तानाशाही अपनाते हैं उसके बाद बैकअप ले लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये देश बहुत जागरूक है, क्रांतिकारी है इस देश की जनता, ठीक है, आपको सुन रही है, समझ रही है, लेकिन उसके हितों का ठीक है आपको समझिए। गंभीरता से एक सवाल, अजीज खान साहब भी बहुत ताकतवर है, देश की जनता बहुत ताकतवर है, सुनिए ना सर, अजीज खान साहब से एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल, तभी तो अजीज खान साहब भारत न्याय यात्रा कांग्रेस तेलंगाना में हार गए, हिमाचल में हार गए, कांग्रेस को साथ मिलेगा क्या भारत न्याय यात्रा में? समाजवादी पार्टी क्या साथ में रहेगी जब यूपी से गुजरेगी, जिस राज्य से गुजरेगी उस राज्य का क्षेत्रीय दल क्या साथ में नजर आएगा? क्या बात हुई क्या कुछ? देखिए पुनीत जी, एक बात स्पष्ट है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी हर वो कुर्बानी देगी जिससे इस देश का लोकतंत्र बच जाए। निश्चित तौर पे अगर न्याय यात्रा निकलेगा ये है इंडिया गठबंधन, ये है इंडिया गठबंधन, पार्टी बिल्कुल साथ में आएगी। नहीं, चाहने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं अजीज साहब, खान साहब, नहीं सुनिए ना चाहने की क्या दरकार है इसमें? आप इंतजार चाहने का क्यों कर रहे हैं जब आप लोकतंत्र को बचाने की आप बात कहते हैं, दुहाई देते हैं, तो फिर चाहने की क्या जरूरत है? कांग्रेस के चाहने से क्या होता है? देखिए पुनीत जी, एक बात आप समझिए, हमने बार बार आपको स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी हमेशा इस देश की लोकतंत्र जब भी खतरे में आएगा, इस देश के लोग खतरे में आएंगे तो समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी मिलेगी, और ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी बिल्कुल साथ है, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हर आखिरी सांस तक में कमलनाथ ने आपको बाहर कर दिया। सुनिए भाई, इनको रोक नहीं अजीज साहब आप साथ में हैं, ठीक है, आप साथ में हैं, फिर आपके पार्टी के अध्यक्ष को ये क्यों कहना पड़ता है कि हमको सोचना पड़ेगा? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव अभी अभी बीते हैं साहब, अभी थोड़े दिन हुए, कितना बवाल हुआ। देखिए पुनीत जी, जहां जो बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं, फैसले भी लिए जाते हैं और फैसले बदले भी जाते हैं, ये तो राजनीति है, परिस्थितियों के हिसाब से कहीं ना कहीं चीजों को किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इसमें विचार की बात हो रही है, विचार विमर्श की बात हो रही, क्या बुराई है अगर विचार करके? चार बार विचार विमर्श हो गया, कोई नीति और कोई नीति तो तैयार नहीं हुई, ठीक है आर के शुक्ला, अरे इतने बड़ी भाजपा को हराना है भैया, चार बार किया 10 बार करेंगे बात, इतने ताकतवर जो जोड़ी चल रही है उसको ठीक है उसको हराना है। हाँ, तो ठीक है, चार बार क्या 10 बार करेंगे विचार विमर्श, पूरी ताकत से हराएंगे हम लोग, 400 सीटें जीतेंगे, अब हम लोग दावा कर रहे हैं 400 सीटें जीतने का इंडिया गठबंधन, बताइए। अखिलेश यादव जी को ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि अभद्र भाषा थी। नहीं नहीं आशीष जी देखिए आशीष जी, एक बात तो तय हो गई कि मुकाबला आपके लिए टफ होने वाला है, पूछिए आज क्यों,
क्योंकि आज आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही तरह की बयान दे रहे हैं आज की डिबेट में, और ये कह रहे हैं कि साहब वो तो कुछ भी बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, ना सपा ध्यान देती है ना कांग्रेस ध्यान देती है। आशीष जी, देखिए कांग्रेस और सपा दोनों ही पार्टियों की नीति स्पष्ट नहीं है, और आज इन लोगों को केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए एक हो रहे हैं ये, इन्हें देश की चिंता नहीं है, देश की परिस्थितियों की चिंता नहीं है। आज देश के अंदर जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निलंबित कर दिया, बम फेंकने वालों की जानकारी नहीं ले रहे। ठीक है ठीक है, डॉक्टर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहे ट्रक ड्राइवर से लेकर चर्चा के अंतिम दौर में है, डॉक्टर आर के शुक्ला के पास एक बार फिर से चलते हैं। सर क्या आपको लगता है, जो आपने सभी को सुना, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, मेरा ये सवाल है कि क्या कल जो बैठक होने वाली है इंडी गठबंधन की, क्या उसमें एक रूपता जो आज की डिबेट में कुछ कुछ नजर आई वो नजर आने वाली है शॉर्ट में? सर 28 दलों का जो गठबंधन बना हुआ है उसमें पूरी तरीके से एक रूपता का होना तो संभव नहीं है। निश्चित रूप से बड़ी पार्टियों को समझौता करना पड़ेगा, और जो क्षेत्रीय दल है वो अपनी मनमानी भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी करेगी, बंगाल में टीएमसी करेगी, और दूसरे जो प्रदेश है वहां क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा अगर इस गठबंधन को लोकसभा चुनाव। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि भाई हमने तो सीटें तय कर ली है कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, और पहले से ही कर लिया, ये बैठक के पहले ये सारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन बड़ा दल है, बड़ा दल क्या बड़ा दिल दिखाएगा ये तो कल की बैठक में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मध्य प्रदेश की महा डिबेट में इतना ही, और साथ ही साथ सवाल यही कि क्या बड़ा दल कल बड़ा दिल भी दिखाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।